नमस्कार श्रीराधे श्री कृष्ण मित्रों, मैं हूं आचार्य सचिन शिरोमणि, स्वागत करता हूं आपका इस तक पर। मित्रों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सी ऐसी खास पांच आदतें हैं जो ये बताती हैं कि शनिदेव की आपके ऊपर विशेष कृपा है। तो वो कौन सी ऐसी खास पांच आदतें हैं, यदि वो आप में हैं तो बहुत उत्तम, यदि नहीं है तो उन्हें अपना लीजिएगा। शनिदेव की महाकृपा होगी, शनिदेव का परम आशीर्वाद आप पर, आपके परिवार पर, आपके व्यापार पर हर तरीके से बरसने लगेगा। शनिदेव जो कि कर्म के कारक हैं, शनिदेव आध्यात्म के कारक हैं, शनिदेव गरीबी, लोभ, लालच और चोरी के भी कारक माने जाते हैं। तो ऐसे में हर तरीके से आप शनिदेव से शुभता पा सकते हैं, क्योंकि शनिदेव कर्म के कारक माने जाते हैं। आप जो कर्म करते हैं उनका एक एक चीज का जो है हिसाब किताब जो होता है वो शनिदेव के पास होता है। तो शनिदेव की विशेष कृपा आप पर हो जाए। और कौन से ऐसे कर्म हैं जो बताते हैं आपको देखकर बिना जन्म पत्रिका के कि शनिदेव आप पर मेहरबान है, कोई भी व्यक्ति विशेष जो ज्योतिष जानता होगा वो आपको बता सकता है। देखिए, सबसे पहले शनिदेव उस व्यक्ति पर परेशान जो है खुश हो जाते हैं, उससे उसको सम्मान पूर्वक दृष्टि से देखते हैं, जो व्यक्ति विशेष अपने माता पिता का भरपूर सम्मान करता है। यानी कि पहला ऐसा कर्म जिसे देखकर शनिदेव प्रसन्न हो जाएं कि आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, ये एक ऐसी आदत जो बताती है शनिदेव को कि आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, इससे वो खुश हो जाते हैं। पहली आदत हो गई ये। दूसरी आदत क्या है मित्रों, कि शनिदेव आप पर खुश हैं ये हम कैसे जानेंगे? आप निर्धन व्यक्ति की मदद करते हैं। कोई निर्धन व्यक्ति है, उसकी सुयोग्य कन्या है, उसके विवाह के अंदर आपने कुछ भोज्य सामग्री दान कर दी, कुछ उसको पैसे से मदद कर दी, तो हर तरीके से शनिदेव की महाकृपा आपको मिल जाती है। यानी कि दूसरी वो आदत कौन सी हुई, जो निर्धन व्यक्ति की आप मदद करते हैं, किसी निर्धन कन्या के विवाह के अंदर कुछ द्रव्य दक्षिणा आप दान देते हैं तो शनिदेव उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। तीसरी आदत, शनि कर्म के कारक हैं, रोजगार के कारक हैं। तो ऐसे किसी व्यक्ति की मदद करना जिसके पास अपना स्वरोजगार ना हो तो आपके ऊपर शनि प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आपने किसी बेरोजगार व्यक्ति के रोजगार दिलवाया, उसको काम से उसको जॉब दिलवाई, तो शनिदेव आप पर प्रसन्न हो गए। ये है तीसरी ऐसी आदत जो बताती है कि शनिदेव आप पर प्रसन्न है। चौथी आदत कौन सी है जो देखकर आप जान सकते हैं कि शनिदेव आप पर प्रसन्न है? हर बुजुर्ग को अपने माता पिता जैसा समझना। यानी कि आपके माता पिता समान ही आप सभी को समझते हैं बुजुर्गों को, तो ये एक ऐसी ब्रह्मास्त्र, ऐसी रामबाण आदत है जो आप डालिए, शनिदेव आप पर कभी कुपित ही नहीं होंगे। वृद्धों की सेवा करिए, हर तरीके से आपको शनिदेव जो है प्रसन्न दिखाई देंगे आपके ऊपर और आपके कर्मों के अंदर सुधार लाएंगे। अब चतुर्थ, ये मैंने आपको सेवा बताई, अब आपको एक पांचवी सेवा बताता हूं कि वो कौन सी सेवा है। किसी का दुख दर्द आप नहीं देख सकते, ये आपकी पांचवी जो है सेवा है। यदि ये आदतें, यदि ये सेवा भाव आपने अपने मन में, अपने मस्तिष्क में, अपने हृदय में उतार लिया है तो भूल जाइए कि शनिदेव आपका अनिष्ट करेंगे। आपने जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करी, आपने जो है माता पिता का भरपूर सम्मान किया, निर्धन व्यक्ति के कन्या के विवाह के अंदर आपने कुछ द्रव्य दक्षिणा दी, आपने किसी बेरोजगार की जो है मदद करके उसका रोजगार लगवाया, आपने बुजुर्गों की सेवा करी, और सबसे बड़ी बात, किसी का दुख दर्द यदि आपसे देखा नहीं गया, आपकी आंखें छलक गई, आपकी आंखों के अंदर आंसू आ गए, तो मान के चलिएगा शनिदेव आप पर कभी कुपित हो ही नहीं सकते। तो ये पांच ऐसी मैंने आदतें बताई आपको, यदि आदत आपके अंदर है तो शनिदेव आप पर कभी कुपित नहीं होंगे भैया, इस चीज का ध्यान रखना। और आपको शनिदेव को प्रसन्न करने का एक और उपाय बता देता हूं कि शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले आप नित्य प्रतिदिन साफ रहें, स्वच्छ रहें, इस चीज़ का ध्यान रखिए। प्रतिदिन आप स्नान करें, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और अपने घर के अंदर कलह कलेश का वातावरण बिल्कुल ना होने दें, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और हो सके तो नित्य प्रतिदिन रविवार को छोड़ के पीपल के वृक्ष की आप सेवा करिए। बृहस्पति देव के साथ साथ शनिदेव की भी महाकृपा आपको मिल जाती है। अपने कुलगुरु, अपने पितरों के, अपने देवी देवताओं के नाम से एक गाय के घी का दीपक, तिल के तेल का दीपक शनिदेव के नाम से पीपल के वृक्ष के नीचे अर्पण कर दीजिए। ये छोटी छोटी ऐसी आदतें जो आपकी दिनचर्या के अंदर बदलाव तो लाएंगी ही, आपकी दैनिक इनकम, आपकी मासिक इनकम, आपकी सालाना इनकम के अंदर हर तरीके से वृद्धि करेंगी।
और जो आप इनकम कमाते हैं, जो आपकी इनकम है, उसमें से कुछ पैसे निकालिए, किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद कर दीजिए, देखिए कैसे आप पर शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं। तो मित्रों ये आदतों को आप अपनाइएगा, शनिदेव की महाकृपा आपको अवश्य मिलेगी। तो मित्रों एस्ट्रो तक में बस इतना ही, फिर किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर से प्रस्तुत होऊंगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।